हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, 18 अक्टूबर एक बड़ा दिन एसएससी मतलब हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और चलो पंचकूला पहुंचो पंचकूला, ये तो बात ठीक है दोस्तों। बच्चे भी वहां पर चले जाएंगे, लेकिन बच्चों के मन में भी सवाल है वहां पर जाने से पहले कि कौन कौन टीचर अध्यापक गण हमारे साथ आएगा। तो इस वीडियो में आप फोटो भी देख रहे होंगे, जो बड़े बड़े चैनल के मालिक हैं हरियाणा में और बड़े बड़े अध्यापक हैं, उनके फ़ोटो आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे। तो इनमें से कौन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, नहीं तो शायद जो हो ऐसा कि हमें बोले ही नहीं आएगा, लेकिन हो भी सकता है। और जो मैं आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, बालकिशन सर हैं, नॉलेज टीवी देसी ताओ है, दीवान सर हैं, और प्रदीप सर हैं, और प्रवीण उड़ान सर हैं, और परिमल सर हैं। ये दोस्तों हरियाणा के आज के टाइम में मुझे लगता है अच्छी स्थिति में है, जो बड़े टीचर हैं। और इनमें से अगर मैं बात करूं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जो बालकिशन सर हैं, सबसे पहले उन्होंने तो पोस्ट डाल दी है, और प्रवीण उड़ान सर हैं, उन्होंने पोस्ट डाल दी है अपने अकाउंट पर, तो इन दोनों में तो कोई संशय नहीं है। उसके बाद है प्रदीप और दीवान सर, इन्होंने तो सबसे पहले ही बीड़ा उठा लिया था कि 18 अक्टूबर को हम ये करने जा रहे हैं और पंचकूला सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अब दोस्तों दो बातें रह गई हैं, नॉलेज टीवी देसी ताऊ और साथ में है प्रेमल सर। कुछ दिनों से आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि सभी वीडियो बना रहे थे और जितनी अभद्र तरीके से वीडियो बनाई गई हैं इतनी तो हमने नहीं बनाई थी। और इन दोनों को लेकर काफ़ी संशय चल रहा है, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नॉलेज टीवी देसी था, उन्हें तो अपने लाइक और डिसलाइक भी ऑफ कर दिए थे, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बाद एक वीडियो डाली थी उन्होंने और उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसलाइक हो चुके थे, लगभग 1000 से भी ज़्यादा डिसलाइक हो चुके थे। और परिमल सर, उन्होंने भी अपनी सफाई दी थी, उन्होंने भी अपने पेज फेसबुक पेज पर आकर सफाई दी थी, लेकिन उसमें कुछ अभद्र मतलब भाषा का उपयोग किया गया उनके द्वारा, वो भी थोड़ा गलत लगा। और शायद एक टीचर होने के नाते उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सुअर के बच्चे ऐसे कुछ बोल रहे थे, वो किसको बोल रहे थे ये तो आप समझ जाएंगे अपने आप। लेकिन इन दोनों को लेकर विद्यार्थी काफ़ी मुद्दा गर्म है, क्या ये दोनों आएंगे, बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ना तो प्रेमल सर ने कोई मतलब पोस्ट डाली है अभी तक 18 अक्टूबर को लेकर, ना ही नॉलेज टीवी देसी ताऊ ने कभी कोई भी इन्फॉर्म अपने चैनल पर या कहीं पर अकाउंट पर नहीं दिए। तो अब बड़ा सवाल ये है क्या क्या दोनों आएंगे। मुझे तो लगता है आना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला चल रहा है कुछ दिन से बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं कि दोनों आएँ, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ से आवाज़ उठती है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो सही होने वाला होता है। अगर ये दोनों आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है साथ में आएंगे, तो अलग अगर ये आ गए, अगर ये अलग आएंगे तो दोबारा कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर ये साथ में आएंगे तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है इन दोनों को भी साथ में आना चाहिए, और जल्द ही 18 या तारीख से पहले एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 तारीख की सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।